और बात करते हैं मंदसौर की, जहां शनिवार रात लूट के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर लुटेरों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने कोतवाली TI को पेट में चाकू घोंप दिया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में ऑपरेशन के बाद उन्हें इंदौर रेफर किया गया। SP अनुराग सुजानिया का मामले में कहना है कि फिलहाल TI अब खतरे से बाहर हैं। हमलावरों के तार राजस्थान के उदयपुर की मेवाती गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। SP ने बताया कि 27 जून को दालोदा में मालवा आयरन ट्रेडर्स नाम की दुकान पर लूट हुई थी, जहां दो बदमाशों ने चाकू की नोक पर 51 सेकंड में 2 लाख की लूट की थी। वहीं 5 दिनों की जांच के बाद पुलिस को आरोपियों की सूचना मिली, जिसके बाद गरोठ और कोतवाली TI ने पुलिस बल के साथ गाँव में दबिश दी। टीम जब आरोपियों की गांव में तलाश कर रही थी, तभी उनके सामने एक लुटेरा आ गया। कोतवाली TI अमित सोनी ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर पीछे से आए कुछ लोगों ने TI पर हमला कर दिया। इस दौरान एक आरोपी ने उन पर चाकू से भी हमला किया, जिसमें पेट में चाकू लगने के कारण घायल सोनी को सुबह 4 बजे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ ऑपरेशन के बाद उन्हें करीब 10:30 बजे इंदौर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि दालोदा में हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के लगे CCTV कैमरे भी खंगाले हैं, जिसमें उदयपुर के हिस्ट्री सीटर छोटा मेवाती गैंग के तार जुड़े होने की जानकारी मिली है। और इसी के चलते पुलिस ने बरखेड़ा, गंगासा और संजीत के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी बहादुरी पूर्वक उन्होंने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया था, और परंतु इतने में उसने शोर मचाया। शोर मचाने पर उसके कुछ साथी आए पीछे से और उनमें से एक ने चक्कू से TI कोतवाली अमित सोनी के ऊपर हमला कर लिया। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।